Radio Udaan. अल्लाह तो कैसे हैं आप? वेल, दो हफ्ते से शो नहीं आया, थोड़ा सा कहीं स्टक हो गया था, फंस गया था, बट फाइनली आई एम टोटली ओके एंड आई एम टोटली सेफ बैक टू होम एंड बैक टू शो एज वेल. चलिए पहले आपका वेलकम करते हैं, फिर आगे बॉलीवुड की कुछ नई दिलचस्प और गर्मा गर्म खबरों पर नजर डालेंगे. नमस्कार, आदाब और सलाम. बच्चे, बूढ़े या जवान, कमजोर या पहलवान, घर वाले या फिर मेहमान, सभी सुने लगा कर अपने का. मैं यानी कि आपका दोस्त स्वप्नल वापस से हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ नई दिलचस्प और गर्मा गर्म खबरों के साथ, ओनली ऑन योर शो जिसका नाम है बॉलीवुड ब्लास्ट. इस हफ्ते महेश बाबू, अनुपम खेर और बाकी सारे एक्टर्स ने रामनवमी की सारे देशवासियों को बधाई दी. फिल्म एसोसिएशन ने हाथ मिला लिया है, लेकिन किसके साथ? डायरेक्टर ऑनर ने सबको मूवी बनाने के लिए बोला है, वो भी इस लॉकडाउन में. एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का क्या है कहना इस लॉकडाउन के ऊपर? बॉलीवुड के सभी सेलिब्रिटीज का क्या है कहना इस कोरोना वायरस आउटब्रेक के ऊपर? एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, लता मंगेशकर ने प्लेज करा है डोनेशन के लिए. चलिए तो एक एक करके सारी न्यूज के ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, बस कुछ गानों के बाद. यू जस्ट एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ.
मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। पेरुमल मुरुगन ने अपने विवादास्पद और प्रसिद्ध उपन्यास वन पार्ट वुमेन की दो समानांतर कड़ियों लोनली हार्वेस्ट और ट्रायल बाय साइलेंस को प्रकाशित करके एक असाधारण प्रयास किया है। वह शुरू करता है जहां से उसने काली और पुन्ना को मूल कहानी में छोड़ा था। उन्हें दोहरे प्रक्षेप पथों के माध्यम से ले जाता है, एक जिसमें काली जीवित रहता है, दूसरा जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, जो केवल कल्पना में संभव है और यथार्थ में नहीं।
दोनों ही उपन्यासों की शानदार ढंग से कल्पना करके उसे रचा गया है। इस उपन्यास के सुगम्य प्रारूप को सुगम्य पुस्तकालय नेशनल ऑनलाइन लाइब्रेरी से डाउनलोड करने एवं पढ़ने के लिए www.library.daisyindia.org पर लॉग ऑन करें। प्रिंट पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए इस उपन्यास को सुगम्य पुस्तकालय पर उपलब्ध करवाने के लिए जेसीबी प्राइज का धन्यवाद। Once again, welcome back to Radio Udaan. आप सुन रहे हैं स्वप्नल को बॉलीवुड ब्लॉक महेश बाबू अनुपम खेर एंड अदर्स सेलिब्रेट रामनवमी। एक्टर महेश बाबू अनुपम खेर मधुर भंडारकर नील नितिन मुकेश और सभी ने और भी कई एक्टर्स ने सोशल मीडिया अकाउंट पे सारे देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। अनुपम खेर साहब ने ट्वीट करके बोला कि दैट हैप्पी रामनवमी टू ऑल, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिलीज। महेश बाबू ने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करके बोला विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी रामनवमी बट सेफ्टी अबव ऑल, सेलिब्रेट एसेंशियल्स, हैशटैग श्री रामनवमी। नील नितिन मुकेश ने ट्विटर हैंडल पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो डाला है जिसने फादर का एक वीडियो अपलोड किया है। ट्विटर उन्होंने कुछ ये किया, ऑन दिस ऑस्पिशियस डे ऑफ रामनवमी शेयरिंग यू ऑल अ लिंक ऑफ माय फादर। और वो जो गाना है वो दरअसल एक भजन है। अगर जो आपको सुनना है तो आप जाके नील नितिन मुकेश को उनके ट्विटर हैंडल पर उनको फॉलो कर सकते हैं। उनका ट्विटर हैंडल है @NeilAndMukesh। एक्टर सुधीर बाबू ने ट्वीट करके कुछ ये लिखा, हैप्पी हैशटैग रामनवमी, पीपल होप वी ऑल कैन सेलिब्रेट द ग्रैंड एक्स नेक्स्ट ईयर इन अ हेल्दी एंड सेफ वर्ल्ड। एक्ट्रेस मलाइका शरावत ने भी ट्वीट करके उन्होंने ट्वीट किया दैट मे लॉर्ड राम ब्लेस ऑल ऑफ अस विद गुड हेल्थ एंड स्ट्रेंथ टू ओवरकम दिस चैलेंजिंग टाइम, हैप्पी हैशटैग रामनवमी। और रेडियो उड़ान टीम की तरफ से भी आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। आगे कुछ और न्यूज, यू जस्ट एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ऑनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मिल गई रूठे
बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है, कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा निकली है यहाँ आह निकली है वहाँ वहरी वह ये आजादियाँ आह निकली है यहाँ आह निकली है वहाँ वहरी वह ये
लाडला लकड़ी का झूला सांवला मिट्टी का चूला सोनी मोनी माँ है कहाँ नटखटी सी मेरी गलियां नजरों की छुपन छुपैया गोरी गोरी बाहें कहाँ रह गई रस्सी पे चुनरी रह गई खूंटी पे कुर्ती रह गई वो लाज कहाँ रह गया गुंबद में अल्लाह रह गया फुरकत में रब्बा रह गया वो राम कहाँ है हदी से वो कहाँ that interrupting your music? Just like Moonscape interrupting my life? Hi, I'm Mansi. I'm blind.
and I'm here to tell you that Sevlon antiseptic now comes in Braille bottle. Thank you. Now you can enjoy your music. अब visually impaired persons के लिए accessible devices मंगाना हो गया है बहुत ही आसान. जी हाँ, सेक्शन ने लॉन्च किया है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल sectech.in sectech.in. जी हाँ, लॉग इन करके पा सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी. एक क्लिक में खरीद सकते हैं अपना मनचाहा प्रोडक्ट. तो आज ही लॉग इन करें www.sectech.in. ज्यादा जानकारी पाने के लिए ईमेल कर सकते हैं info@sectech.in या फिर कॉल कर सकते हैं 011-4241-1015 पर. Once again, welcome back to Radio Udaan. आप सुन रहे हैं स्वप्निल को बॉलीवुड ब्लास्ट में. फिल्म एसोसिएशन ज्वाइन हैंड्स टू हेल्प डेली वेज वर्कर्स अफेक्टेड ड्यू टू लॉकडाउन. वेल, इस पैंडमिक की वजह से एक बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है. वो न्यूज ये है कि हमारे जो फिल्म एसोसिएशन है उन्होंने हाथ मिला लिया है कि वो जो डेली वेज वर्कर्स हैं उनको इस लॉकडाउन के अंदर वो इफेक्ट ओवरकम करने के लिए वो अब डोनेशन करेंगे. प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया, इसके अलावा इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर काउंसिल एंड फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन साइन एम्प्लॉयज, इन सभी ने मिलकर एक रिलीफ फंड बनाया है. और उस रिलीफ फंड के तहत जो डेली वेज वर्कर्स हैं उनके लिए फंड को इकट्ठा किया जाएगा और उनके उनकी हेल्प करने के लिए इस फंड में से पैसे दिए जाएंगे. ये जो रिलीफ फंड है ये दरअसल डेली वेज वर्कर्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है जो कि डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, उनको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा. डेली वेज वर्कर्स हैं वो, जैसे कि डेली वेज वर्कर्स की बात करें तो स्पॉट बॉय हो गया, लाइटमैन हो गया, इसके बाद जो जिनकी अगर जो महीने की बात करें और डेली की बात करें तो 800 रुपये से 1000 रुपये वो हर दिन कमाया करते थे, बट इस लॉकडाउन की वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ है. तो उनको डेली जो पैसा वो कमाया करते थे उनको इस जो फंड है उससे उनको पैसे मिलेंगे. ताकि जितना स्पॉट बॉय लाइट बॉय वैसे कमा लिया करते थे उनको उतना तो नहीं मिलेगा, बट हाँ उसके हाफ जरूर मिल जाएगा, क्योंकि अगर जो 1000 रुपये पर दिन की बात करें तो 30,000 पर वर्क होता है, बट इस फंड के तहत उनको 12 से 15,000 रुपये महीने का लगभग सभी को मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है. कुछ भी है, अगर जो हम साथ हैं ना तो डेफिनेटली हम इससे ज़रूर जीतेंगे. आगे कुछ और न्यूज़, यू जस्ट एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. इश्क़ तू
मेरे दिल की राहतों का तू जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कई दिन मन गई है, तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है इबादत की तरह, तुझे याद कर आशियाना तेरा साथ मेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला, आबुदाना तेरा हाथ मेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला, जो मिला न हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, तू जो मिला हाँ सा हुए मुश्किल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल
Once again, welcome back to Radio Udaan. आप सुन रहे हैं स्वप्निल का बॉलीवुड ब्लास्ट. On air, we encourage building filmmakers to make short movies in lockdown period. डायरेक्टर उनेर ने इस लॉकडाउन के पीरियड को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए बोला है. उनेर ने बोला है कि आप हर हफ्ते एक नई मूवी बना सकते हैं एक नई थीम के साथ, और जो मूवी होगी फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों तरीके की हो सकती है, पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा होगा, तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और जो मूवी है इसको शूट करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इंडोर शूटिंग ही करेंगे, ये मूवी की गाइडलाइन के अंदर लिखा हुआ है. डायरेक्टर ने जो बडिंग फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि वो 2 मिनट की मूवी को बना सकते हैं हर हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ. और ये भी बोला है कि जो मूवीज होंगी इनको वो और डायरेक्टर संजय सूरी दोनों डज करेंगे. तो मैं एक बात कहूँ, ये जितने भी बडिंग डायरेक्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सब कोई इस वक्त काफ़ी हद तक मैं कहूँ तो फिल्म है फैमिली से टाइम स्पेंड कर रहे हैं और फ्री भी है. तो कहीं ना कहीं अगर जो आपकी मूवी में होगा दम तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है. और उन्होंने ये भी बोला कि इस लॉकडाउन जब एंड होगा 14th of April को, तो उस वक्त जो विनर है उसको अनाउंस किया जाएगा और जो विनर होगा उसको चांस मिलेगा उन्हें के अगले प्रोजेक्ट में काम करने का. तो हमारे तरफ से जितने भी बडिंग डायरेक्टर्स हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, एक अच्छी मूवी बनाइए. और आगे कुछ और न्यूज विल जस्ट एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ऑन मी ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. सो जाऊं हाँ, कहते आए हम तो फरवरी से निकलो कभी डार्लिंग चंदेरी से निकल आओ कभी हवेली पे. सभी का बाप है आज रात का ड्रेस कोड है लाल चोली में आंख मचोली बन जाऊं मैं अनुष्क और तू बन जाए कोली पर लगन तो लिट ए एफ तू बन ठन आज ए सब तू दोनों अकेले नहीं तुम यार दोस्त के साथ पधारो अब करना सखिया ए फ्लान हजार तुम रात सवारो पर लगन तो लिट ए एफ तू बन ठन आज ए सब तू. सेटिंग है सीधे तेरी सहेली से चमका मंगवाया हमने बहेली से तनिक आओ कभी हवेली पे आ गया. Thank you.
भड़काए और सीटी बजाए, हाय दिल भड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे हो करके इशारे हो लड़की ही हो लड़की ही ओ लड़की आंख मारे आंख मारे ओ लड़की आंख मारे आंख मारे ओ लड़की आंख मारे जाए तेरे पीछे पीछे आए, हम तो है दीवाने तेरे तेरा होना चाहे, सीटी बजाए नखरे दिखाए, सीटी बजाए नखरे दिखाए, बीच सड़क में हर नाम मेरा पुकार ओ करके इशारे ओ लड़का तुषार कपूर की आवाज में कुमार सानू की आवाज में ओ लड़की आँख मारे आँख मारे ओ लड़की आँख मारे आँख मारे ओ लड़की आँख मारे मनोरंजन व्यापारी द्वारा लिखित पुस्तक देयर्स गन पाउडर इन द एयर एक ऐसी जेल के कैदियों एवं वहां के चौकीदारों की उत्तेजक कहानी है जहां एक साहसी पलायन का खेल खेला जाना है। जेल भारत देश के प्रतीक जैसा है जहां राजनैतिक विरोध का दमन होता है, जाति और वर्ग प्रतिद्वंदिताओं का खेल होता है और कैदियों के बीच ही जेलर के खबरी भी मौजूद हैं। ये रोचक और लुभावना उपन्यास अब सक्षम लाइब्रेरी तथा सुगम्य पुस्तकालय www.sugamyapustakalay.in पर उपलब्ध है। सुगम्य प्रारूप में उपलब्ध कराने के लिए जेसीबी प्राइस का हार्दिक आभार। सक्षम ने जेसीबी प्राइस के सहयोग से रोशन अली द्वारा लिखित पुस्तक इब्स एंडलेस सर्च फॉर सेटिस्फेक्शन को ई पब सुगम्य प्रारूप में तैयार किया है। एक युवक इब अपने मानसिक रूप से विक्षिप्त पिता एवं परेशान माता के साथ रहता है। नगरीकरण के उलझाव में जीवन का अर्थ ढूंढते हुए जब उसके साहस का दम घुटने लगता है तब उसे अप्रत्याशित उत्तर मिलते हैं और अधिक प्रश्न भी। क्या ये कहानी अत्यंत रोचक और रोमांचकारी प्रतीत नहीं होती? क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे? तो लॉग ऑन करिए www.library.daisyindia.org पर। Once again, welcome back to Radio Udaan. आप सुन रहे हैं स्वप्नल का बॉलीवुड ब्लास्ट। मैं अनुष्का शर्मा इज ग्रेटफुल फॉर फूड वाटर एंड रूफ ओवर हर हेड। इस लॉकडाउन में अनुष्का शर्मा ने कुछ पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश करी है। उन्होंने ये बोला है कि दरअसल इस लॉकडाउन में वो
बहुत ज्यादा खुश नसीब है की उनके छत के ऊपर उनके सर के ऊपर छत है, उनके पास फूड है और पीने के लिए पानी है। एक्टर्स ने भी रिसेंटली अपनी एक फोटोग्राफ पोस्ट करी है, उस फोटोग्राफ के अंदर वो उनके हस्बैंड विराट कोहली और उनका पेट साथ में है। वो जो क्वालिटी टाइम है वो स्पेंड कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, बट उनके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि वो अनुष्का ने ये भी बोला कि उनकी जो प्रेयर्स हैं वो सभी लोगों के साथ है, सभी फैमिली के साथ हैं जो कि डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, उन सभी के लिए उन्होंने एक तरीके से कहते हैं सिंपथी बोला है। उनकी जो प्रेयर्स हैं वो सारी फैमिलीज के साथ हैं, सभी के साथ हैं, सभी उन्होंने बोला है कि आप सेफ रहें, सिक्योर रहें। साथ ही साथ विराट और अनुष्का दोनों ने एक वीडियो भी अपलोड किया है और उस वीडियो को चाहे तो आप जाके अनुष्का के इंस्टाग्राम अकाउंट पर देख सकते हैं। उसके बाद कैप्शन में कुछ ये लिखा है, एकता दिखाएं, जीवन और देश बचाएं। के बाद उन्होंने कुछ और फोटोग्राफ्स को अपलोड किया जो कि इस बात को दिखा रहा है कि ये जो जो कपल हैं ये क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और यही नहीं मैं कहूँगा सभी लोग एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। पर ठीक है, आप भी घर पर रहिए, सेफ रहिए और अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। आगे कुछ और न्यूज़, यू जस्ट एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ऑनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगेन वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान, आप सुन रहे हैं स्वप्निल का बॉलीवुड ब्लास्ट। में कोरोना वायरस आउटब्रेक, सेलिब्रिटीज स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स इन लॉकडाउन।
कोरोना वायरस आउटब्रेक के चलते सेलिब्रिटीज आगे आए हैं और उन्होंने एक पॉजिटिव वाइब्स पूरे क्लाइमेट में स्प्रेड करी है। अभी जो पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड करने वाले हम कुछ एक्टर्स की बात करें तो उसमें पवन कल्याण शामिल है, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर खान, सैफ अली खान, अमिताभ बच्चन साहब, आयुष्मान खुराना, इसके साथ ही साथ और भी कई एक्टर एंड एक्ट्रेसेस फॉरवर्ड आगे आए हैं और उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प देने की बात कही है, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज है उन सभी डेली वेज वर्कर्स के लिए। अगर जो हम डोनेशन की बात करें तो सलमान खान साहब ने बोला है कि वो 25,000 डेली वेज वर्कर्स को एक तरीके से गोद ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ पवन कल्याण ने बोला है कि वो 1 करोड़ रुपए डोनेट करेंगे और इसके बाद के साथ ही साथ प्रियंका चोपड़ा और अमिताभ बच्चन साहब ने भी डोनेशन करने की बात कही है। वेल, हमारे लिए तो ये डोनेशन एक तरीके से बहुत बड़ा सपोर्ट होगा उन सभी वर्कर्स के लिए जो कि डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हमारी कंट्री को भी ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा क्योंकि इस पैंडमिक में हम सभी को एक साथ रहना बहुत जरूरी है। आगे कुछ और न्यूज, यू जस्ट एंजॉय द ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड ऑनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगली न्यूज की बात करें तो कोरोना वायरस रिलीफ प्रियंका चोपड़ा, लता मंगेशकर, करीना कपूर खान एंड अदर्स प्लेज डोनेशन। जो डोनेशन की बात हमने पहले करी वही डोनेशन की बात को मांगे कंटिन्यू करें तो कुछ और सेलिब्रिटीज भी हमारे सामने आए जो कि डोनेशन की बात कर रहे हैं। उसके अंदर जो बड़े नाम शामिल है उसके अंदर हमारे खिलाड़ी अक्षय कुमार साहब, अनुष्का शर्मा, देन वरुण धवन, सोनम कपूर, राजकुमार राव, कार्तिक आर्या, पवन कल्याण, प्रभास, राम चरण, महेश बाबू, इसके साथ ही साथ और भी कई बड़े चेहरे हैं जो कि डोनेशन के लिए सामने आए हैं। इसमें हमारे लेजेंडरी सिंगर मतलब कि लता मंगेशकर मैम भी शामिल हैं, एक्टर प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर खान। अगर हम डोनेशन की बात करें तो शुरू की सरताज यानी कि लता मंगेशकर मैम ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बोला है कि वो 25 लाख रुपीज चीफ मिनिस्टर के जो फंड है उसके अंदर डोनेट करेंगे। रिसेंटली नारद कपल यानी कि निक जॉन्स एंड प्रियंका चोपड़ा ने भी अनाउंस किया है कि वो 10 चैरिटीज जो है उनको वो डोनेट करेंगे और उन सारे उन चैरिटीज में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रिलीफ फंड अनाउंस किया उसके अंदर भी वो डोनेट करेंगे। तो इस मुश्किल घड़ी में हमारे सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ पूरी दुनिया एक तरफ से एक साथ हो मिलकर खड़ी है एंड आई एम वेरी वेरी श्योर दैट आने वाला टाइम में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वन। इसके साथ ही साथ अगर जो हम पुरानी बात करें तो हमने इतिहास रचा है, चाहे हम बॉलीवुड की बात करें चाहे हम स्मॉल बॉक्स की बात करें, तो हमने ऑलरेडी इतिहास रचा हुआ है। इतिहास गवाह है कि भारत हमेशा सबको सिखाया भारत ने और आई एम वेरी श्योर कि हम सब मिलकर फिर से एक मिसाल कायम करेंगे और डेफिनेटली सबके सामने एक पॉजिटिव रूप में सामने आएंगे। बस ध्यान देने वाली बात एक ही है कि अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। मैं यानी कि आपको दोस्त स्वप्निल आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Saksham with the support of the JCB Prize converted IB's endless search for satisfaction by Roshan Ali into accessible EPUB 3.0 format. IB, a young man, lived with his schizophrenic father and his beleaguered mother. As he searches for the meaning of life in the maze of urbanity that seems to throttle his very spirit, he finds unexpected answers and more questions. Is this story not sounding very interesting and thrilling? Want to read it? Log on to www.library.daisyindia.org. Here is the message from author of this novel about this initiative. I think it's a wonderful initiative that JCB is doing to translate all the books into Braille, just for the simple reason that the more people read books and specifically our books, the better it is. And just for a person to not be able to read a book because it's not accessible to him or her is an injustice, and it's just fantastic that JCB is doing this, and it's probably, I'm not even sad about not winning the prize now because I'm so happy about this. So thank you so much JCB, and hope to see this initiative being carried forward for all the coming years. Thank you. मैं डॉक्टर विश्वदीप खरे DHMS हूँ और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने घरों में रहें और थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने हाथों को बराबर धोते रहें और मास्क लगा के रखें। तो सर, सिचुएशन आप कैसी देख रहे हैं अभी इंडिया में इस वक्त? पेंडेमिक है, साफ सफाई से रहें और घरों में रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए. थैंक यू वेरी मच. हेलो हेलो बिट्टू. हाँ यार तू आया नहीं. मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी. कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास. हेलो. हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी. कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तू बस वेट कर, आ गया मैं. अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, निकल गई ट्रेन, नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, नहीं आओ, निकल गई ट्रेन. काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते. इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम. मेरा टावल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं. यार तू 24 घंटे पहले ही पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते. मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है. हमको नहीं मजा आता ब्रेल से. अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ. शिट ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है. उफ, अब मैं कैसे पढ़ू? काश आपने समय पर रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता. ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी. ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड. रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी.